अजय आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अजय सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है अजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सबसे बड़ी बात की यही वो धनंजय सिंह है बाहुबली जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर निकले थे, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे, विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। तो धनंजय सिंह जिनका जौनपुर में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, पहले उनको बीएसपी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया और उसके बाद उनका टिकट कट गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार धनंजय सिंह क्या उस फ्रस्ट्रेशन में ये अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, या फिर वो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से बहुत खुश हैं? बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है धनंजय सिंह का बीजेपी को वोट देने की अपील करना। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आम आदमी पार्टी। जी, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। संजय सिंह ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वाति के साथ बदसलूकी की बात कबूल कर ली है, तो बीजेपी ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। केजरीवाल ने अभी 31 घंटे हो गए, पुलिस को क्यों नहीं सूचना दी? उसमें आप पुलिस नहीं बुलाएंगे, उसमें आप केजरीवाल खुद ही जज बन जाएंगे, खुद ही पुलिस बन जाएंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर बदसलूकी को लेकर सियासत और हाई हो गई है। मारपीट पर पहली बार आम आदमी पार्टी का कबूलनामा सामने आया है। केजरीवाल के खासम खास और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए और माना कि पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। संजय सिंह के कबूलनामे के बाद आपकी सियासी मुश्किल और बढ़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के इशारे पर महिला सांसद से मारपीट की गई। इन्हीं आरोपों के साथ बीजेपी नेताओं ने आप पर कई सवाल दागे हैं। मुख्यमंत्री आवास के भीतर इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही हैं। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी इस तरह की घटना हुई थी, और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है ये उत्पादी चरित्र है, आपराधिक चरित्र है, जिसके दर्शन बार बार हो। संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बेहतर होता वो खुद पुलिस में जाते, शिकायत करते, पूरे मामले की जांच करते। संजय सिंह ने ये बताया कि ये घटना सच में हुई है और अरविंद केजरीवाल अपने घर में इतना बड़ा अपराध हो गया, चुप बैठे हैं और अब कह रहे हैं एक्शन भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। इस बयान के बाद अब पुलिस को कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कि विभव अपराधी है, लेकिन विभव से बड़े अपराधी अरविंद केजरीवाल है। पहला, उनके कहने पर मारा गया, दूसरा 31 घंटे तक वो इस मामले को दबा के बैठे रहे। और अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से मारपीट की तो फिर अभी तक कोई लिखित शिकायत पुलिस में क्यों नहीं दी गई? अब आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है कि स्वाति से विभव ने बदसलूकी की है, तो फिर मालीवाल चुप क्यों हैं? क्या स्वाति मालीवाल को डराया धमकाया गया है या स्वाति को किसी बात का खतरा है? जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मिस्टर एमपी संजय सिंह, तेरे को सब कुछ पता है, झूठ ना बोले, एक्टिंग मत आ रहा है। स्वाति को खुद बोलना चाहिए, लाखों महिलाओं की आवाज उठाई। स्वाति से मारपीट, फिर बीजेपी के आरोप और करीब 30 घंटे बाद आम आदमी पार्टी का कबूलनामा। 24 के चुनावी दंगल के बीच इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली का सियासी पारा हाई है, लेकिन पूरा सच क्या है ये स्वाति मालीवाल के बताने पर ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आपको चुनावी अपडेट बताते और बताते हैं कौन से सियासी दिग्गज कहां चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए महाराष्ट्र में आज जनसभा करने वाले हैं, डिंडोरी कल्याण में पीएम की रैली होगी, तो वहीं शाम में भव्य रोड शो भी होना है। नॉर्थ ईस्ट सीट पर रोड शो होगा शाम में, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र दौरे पर है, मुंबई में दुजगा आज चुनावी रैली, तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए कैसे रोड शो करेंगे। अमित शाह बंगाल उड़ीसा दौरे पर, गृहमंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, तो वहीं जेपी नड्डा की बात करें बिहार बंगाल
ओडिशा में जेपी नड्डा की चुनावी रैलियां होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए जालौन हमीरपुर महोबा में योगी की जनसभा होगी। झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य रोड शो भी होने वाला है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर आज चुनावी सियासी दिग्गज जो है चुनाव प्रचार के लिए कहां नजर आने वाले हैं। अगली खबर क्या बताएंगे मेरी सहयोगी गायत्री। और अब बात करेंगे पीओके की। जी हाँ, पाकिस्तान में पीओके के जो लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये जो लोग हैं वो भारत से उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता हैं जो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और ऐसे ही लोगों को योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिए। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है, 2 जून तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। दाने दाने के लिए लूटपाट की तस्वीरें पाकिस्तान में आम हो चली है। अब पीओके की जनता भी सड़कों पर है और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पीओके के भूखे आवाम हुक्मरानों को लालच भेज रही है और उसी पीओके में अब मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अपने ही देश में वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है, जिन्हें सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया है। एक भिकमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और मैं तो फिर कहता हूं जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिकमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। पीओके की जनता अब समझ गई है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उनकी दुर्दशा और बढ़ेगी। ऐसे में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है, लेकिन अपने ही देश में कुछ सियासी हुक्मरान लोगों में पाकिस्तान के पास एटम बम के नाम पर खौफ पैदा करते हैं। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो, उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहा है पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 700 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। पीओके में आज वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कर दी थी। हालात ये है कि शहबाज सरकार की तरफ से 23 अरब के राहत पैकेज के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा है। मानते ही है, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियां जैसी बन रही है उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो तस्वीरें हैं उसमें सबकी सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी, पाक सेना की बर्बरता से छुटकारा, और इसकी वजह पाकिस्तान की कंगाली है जो खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है। आटे के लिए लड़ाई हो रही है, लोग थैलियों में रसोई गैस भर कर ले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीओके के लोगों का पेट कैसे भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं जिंदगी की जीत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की, जहां पर खदान में फंसे हुए 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बार फिर मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। वो 14 लोग जो फंसे हुए थे लिफ्ट की वजह से, ये लोग फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल लिफ्ट टूटने की वजह से ये 14 लोग खदान में फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।
मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है। सब सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कितने लोगों को आई है? छोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं, 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है, लगभग लोगों को चोट है। गंभीर पैरों में फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है।